तुम अगर हमको नागरिक नहीं मानते, हम तुमको सरकार नहीं मानेंगे। तुम साबित करो तुम हमारा सरकार हो, और तुमने जो वादा किया था पहले उन वादों को पूरा करो, फिर हम बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या था। हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, हमारे बाप दादों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने इस देश को बनाया है, इस देश की सड़कों को बनाया है, इस देश के बसों को चलाया है, इस देश के ट्रेनों को चलाया है, इस देश में मजदूरी की है, किसानी की है, मेहनत किया है, खून पसीना देकर इस देश को बनाया है। हम ये साबित करेंगे। अंग्रेज ने इस देश का बंटवारा किया ये हम सब लोग जानते हैं, और ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बंटवारा किया, तो कांग्रेस ने बंटवारा किया तो आप साहब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार क्यों बनाए थे? जो मुस्लिम लीग कह रही थी कि भारत का बंटवारा होना चाहिए, दो लोग इस देश में बोले कि भारत का बंटवारा होना चाहिए, एक सावरकर और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। और सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के बारे में यह बात जान लीजिए, न सावरकर प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, न जिन्ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, इस बात को आप जान लीजिए। धर्म को जो मानने वाला इंसान होता है वो कभी भी नफरत की बात नहीं कर सकता है, धर्म हमेशा प्यार की बात करता है, ईमान की बात करता है, पीस की बात करता है। धर्म के आधार पर आज जो नफरत हमारे बीच फैलाई जा रही है ये धर्म के लिए नहीं फैलाया जा रहा है, धर्म के आधार पर इस देश को गुमराह करके जैसे अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, अमित शाह ने भी घोषणा कर दिया कि हम 50 साल राज करेंगे। इसीलिए यह जो तमाम कोशिश है वो कोशिश आपसे आपका संविधान छीन लेने का है, आपसे आपका जमहूरियत छीन लेने के लिए है, और आज अपने ही देश में आपको शरणार्थी बनाने का कोशिश किया जा रहा है। मैं सीधा तौर पे आपको कहता हूं ये संविधान और जमहूरियत और लोकतंत्र के ऊपर हमला है, और ये हमला किसी एक धर्म के ऊपर नहीं है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, किसी एक क्षेत्र के ऊपर नहीं है, इस देश की मूल भावना के ऊपर है, इस बात को आप समझ लीजिए। और इस देश की मूल भावना क्या है? इस देश की मूल भावना यह है कि अश्फाक कहते हैं बिस्मिल को, अश्फाक बिस्मिल को कहते हैं कि ऐ बिस्मिल तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की बात है, हमारे धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं है। अगर हम अल्लाह से मिले और अल्लाह से हमारी भेंट हुई तो हम कहेंगे कि एक जन्म और दे दो, एक बार इस धरती पे और मिटना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। पड़ोसी देशों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल साहब का वो नज्म हमको आज भी याद है, लेकिन हकीकत यह है कि हेल्थ पे, एजुकेशन पे आज के डेट में हम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम खर्च कर रहे हैं। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4% जीडीपी पर चली गई है तो कौन मुआ आएगा हमारे देश में मरने के लिए? हमको जाना पड़ेगा दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए। इसको कहते हैं झूठा प्राइड, सेल्फ प्राइड लेकर के घूम रहे हैं। अरे प्राइड अगर सच्चा हो तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, और हमको प्राइड है, जब हम बंगाल की धरती पे खड़े हैं तो हमको प्राइड है कि लगातार बैक टू बैक बंगाल जो है इस दुनिया को नोबेल दे रहा है, इस बात का प्राइड होना चाहिए। लेकिन उसी बंगाल में जो भाषाई आधार पर बंगाल की एक खास बात यह है कि बांग्लादेश का जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, वो भाषा के आधार पर हुआ था। बांग्लादेश का जो मुक्ति संघर्ष था उसका नारा जय मुसलमान नहीं, जय बांग्ला उसका नारा था, इस बात को आप याद कर लीजिए। ऐ मेरे बंगाल के दोस्तों, ये दो गुजराती आदमी आपसे आपका असली प्राइड छीनना चाहता है, आपको आपस में बांटना चाहता है, इस बात को आप जान लीजिए। और उसी बंटवारे के खिलाफ आपको इस साजिश को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा ताना बना रचा गया है, और कहा यह जा रहा है कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं। मेरा सिंपल सा सवाल है, मोदी जी अगर अपने नानी का नाम बता देंगे तो हम भी अपनी नानी का नाम बता देंगे, और आप यहां जो बैठे हुए लोग हैं, हम किसी भी नागरिक के साथ जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसके लिए हम तमाम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। एक उदाहरण सर हमको समझा दीजिए,
कि मैंने मेरे ऊपर अगर किसी के हत्या का आरोप है तो दफा 302 लगेगा, और इमरान साहब के ऊपर किसी के ऊपर हत्या का आरोप है तो दफा 307 लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हिंदू है तो 302 लगेगा और मुसलमान है तो कोई और धारा लगेगी। अगर आप बीमार हुए हैं तो आपको संबित पात्रा पैरासीटामोल देगा और हमको जो है कोई और दवाई दे देगा। देश चलता कैसे है? देश साइंटिफिक टेंपर से चलता है, रेशनैलिटी से चलता है, लॉजिक से चलता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से चलता है। और इस देश का ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? इस देश का ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। आप मुझे बता दीजिए कि जितने पॉपुलर भजन हैं जो हिंदू के मंदिरों में बजते हैं उसको किसी मुसलमान ने गाया है कि नहीं गाया है? और इस देश के भीतर जो हमारी संस्कृति है वो एक साझी संस्कृति है, साझी शहादत है, साझी विरासत है। इसीलिए इस साझी संस्कृति, साझी शहादत और साझी विरासत को बचाने के लिए एकजुट होइए। पार्टी का झंडा बैनर अपनी जगह पे है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, इस देश को एकजुट करने की लड़ाई है। आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आगामी 19 तारीख को कौमी एकता दिवस मनाइए, कि घुसपैठियों को पहचान करना बहुत जरूरी है। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे, तो मेरे जो कुछ मित्र हैं वो शराब पीते हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ, आपके भी मित्र पीते होंगे, ठीक बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो रात में क्या करते हैं कि जब शराब पी लेते हैं तो गूगल मैप पे मैप लगा लेते हैं। हम बोले तुमको अपने घर का रास्ता मालूम है, ये मैप क्यों लगा रहे हो? बोलता है कि जहां जहां लाल रात को दिखता है ना वहां वहां पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, तो वह रास्ता बदल लेते हैं। आप सब लोग गूगल मैप यूज करते होंगे, जहां जहां लाल होता है मतलब है वहां रोड जाम है, और जहां जहां नीला होता है मतलब रोड क्लियर है। सैटेलाइट से हमारे देश की सड़कों को देखा जा सकता है। आप दो दोस्त बैठ करके जूता का बात कीजिए, तुरंत आपके फेसबुक पे जूता का प्रचार आना शुरू हो जाता है। आप मोबाइल का चर्चा कीजिए, आपको मोबाइल का प्रचार आना शुरू हो जाता है। आप कहिए कि मेरे घर में कोई बीमार हो गया है तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रचार आना शुरू हो जाता है। जहां इतना इंटेलिजेंस आपके ऊपर हो वहां घुसपैठियों को नहीं पहचाना जा सकता है। कैसी मूर्खतापूर्ण बात हम लोग कर रहे हैं! क्या सचमुच सरकार का उद्देश्य है कि वो घुसपैठियों का पहचान करना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहां देहाती भाषा में सरकार को माई बाप भी कहा जाता है। तो मान लीजिए हमको बहुत जोर से भूख लगी है, हम कहें पापा पापा बिस्कुट दीजिए, तो बाबूजी पलट करके कहें पहले ये बताओ तू मेरा बेटा हो कि नहीं, पहले ये साबित करो, तब आप कहां डॉक्यूमेंट खोलते चलेंगे, किससे पूछते चलेंगे? और सहयोग कीजिए और हिंसात्मक तरीके से एकजुट होकर के इसका मुखालफत कीजिए। और इतिहास ने हमको यही सिखाया है कि जब जब हम एकजुट होकर के लड़े हैं तो हमने अंग्रेजों को भी हराया था और अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले इन भाजपाइयों को भी हराएंगे। एनआरसी से आजादी चाहिए, एनपीआर से, कैब से, नहीं नहीं ओला उबर वाला कैब नहीं, और ओला उबर वाला कैब से आजादी नहीं चाहिए ना, इस बांटने वाला कम्युनल कैब से आजादी चाहिए। ठीक है चलो, तो हम क्या चाहते हैं? है हक हमारी, है जान से प्यारी, डॉलर कह लेंगे, दो छीन के लेंगे, है हक हमारी, हम लेकर रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे, दो गरीबी से, हर भुखमारी से, दो भेदभाव से, दो जातिवाद से, सामंतवाद से, दो
में आजादी, आजाद देश में आजादी, आजाद वाली आजादी, तो भगत सिंह की आजादी, टैगोर वाली आजादी, टैगोर वाली आजादी, तो बिस्मिल वाली आजादी, अशफाक वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, तो बिरसा वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, तो डर गए क्या आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, असले मोदी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, है हक हमारी आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, तो पुरुष भी बोला आजादी, किसान भी बोला आजादी, हर बोल मजूरा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, असले मोदी आजादी, हम नहीं करेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम सीए भी लाओ आजादी, तुम एनआरसी लाओ आजादी, तुम एनपीआर लाओ आजादी, हम नहीं डरेंगे आजादी, तुम जेल में डालो आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, तुम गोली चलाओ आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक तुम्हारी आजादी, है हक हमारी आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो ऊंचा बोलो आजादी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम अनिल पंजी।